दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना कोई खेल नहीं, ये नारा जनसंघ के दौर में लगता था। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो ये हो गया है कि इस दिए में तेल नहीं, नारे बनाना कोई खेल नहीं। और इस चुनावी दौर में जिसका नारा तीखा वही नेता चुनाव जीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। अब वक्त हो गया है पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़े शो वोटों की बारात का, जहां आपको मिलती है हर राजनीतिक खबर सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ। साथ ही सत्ता और समीकरण से जुड़े खुलासे भी यहां होते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको चुनावी ब्रेकिंग नहीं, चुनावी नारों से बनते सियासी समीकरण दिखाएंगे। कैसे वोटों के लिए राजनीति के मैदान में उम्मीदवार से ज्यादा राजनीतिक नारों का रोल होता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसे राजनीतिक नारों से हार जीत का फैसला बनाया जा रहा है। हम आपको सियासी नारों के जरिए राजनीतिक लड़ाई का एक इतिहास दिखाना चाहते हैं। देखिए, चुनावी मौसम में गली चौराहों पर नारा ना गूंजे तो माहौल अधूरा सा लगता है। और नेताजी के पीछे उनके समर्थक जयकारे ना लगाए तो रंग नहीं जमता। अखिलेश के हर आरंभ का अंजाम बोलता है, काम बोलता है, भैया काम बोलता है, अंजाम बोलता। पांच राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नारे और जयकारे दोनों सुनाई दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जीतेगा भाई जीतेगा, उनका नेता जीतेगा। मैंने देखा, तुमने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, अरे क्या देखा, नरेंद्र मोदी जो 10 बच्चियों पे बारी। अपने नेता के लिए सड़कों पर नारे लगाती ये भीड़ सिर्फ चुनावी चौपाल नहीं है, बल्कि ये एक सियासी चाल भी है विरोधियों को कमजोर करने की। दरअसल नेताजी के लिए लगने वाले इन सियासी नारों के पीछे एक पूरा मनोविज्ञान छिपा है। अपनी ताकत दिखाने और विरोधी की ताकत आजमाने का मनोविज्ञान। एक नारा खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती है नारा भी नया हो जाता है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के दौर में नारा चलाया कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए नारा दिया अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस ने अपने चुनाव निशान हाथ के पंजे को आगे बढ़ाते हुए नारा बनाया कि इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। बीजेपी ने इसकी काट खोजी और नारा दिया सबको देखा बार बार, कमल को देखो एक बार। दौर बदला, अब कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। तो बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की छवि से माइलेज लेने के लिए नारा दिया अब की बारी अटल बिहारी, सब पर भारी अटल बिहारी। वक्त बदला, कांग्रेस का चेहरा बदला, सोनिया गांधी बनी उनका चेहरा। नारा आया उठे हजारों हाथ सोनिया जी के साथ। तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर नारा दिया अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। नारे संदेश देते हैं और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि हमने परिवर्तन की बात करी, और जब परिवर्तन की बात करी तो हम परिवर्तन संवाद कर रहे हैं, हमने परिवर्तन यात्राएं की। ठीक, परिवर्तन यात्राएं की, परिवर्तन संवाद किया, और जाहिर है कि जनता परिवर्तन को तैयार है। इसलिए अब की बार भाजपा सरकार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर डालिए, यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच नारों के जरिए ही लड़ाई होती है। ये चुनावी जंग अब हाथी और साइकिल से आगे बढ़ते हुए मुलायम और मायावती के नाम पर लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति सियासी नारों की ताकत पर टिकी है, जिसका जितना नारा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे प्यारी
बहन हमारी, देश की जनता कह रही सारी, मायावती महान है, भारत की ऊंची शान है। बरसों बरस न हुआ जो पिछले 5 बरस। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी पर भारी पड़ने के लिए एक नारा दिया कि गुंडा चढ़ गया हाथी पर, गोली मारी छाती पर। तो बीएसपी ने करारा जवाब देते हुए नारा उतारा कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। समाजवादी पार्टी ने आगे नारा दिया कि बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। तो बीएसपी ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर नारा दिया, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का। अब समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, बदली हवा बदला मौसम, कायम रहे यूपी और मुलायम। तो बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए नारा दिया, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी ने अपने दूसरी पीढ़ी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में नारा दिया कि कहो दिल से अखिलेश फिर से। तो बीएसपी ने बहन जी यानी मायावती को नई नई पहचान देते हुए नारा दिया, नई रोशनी दिखाने को बहन जी को आने दो। के जो पुराने समाजवादियों का सपना था, उन सारे सपनों को लेते हुए जब 5 साल में काम किया, तो जब 2017 में जा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि काम बोलता है। तो अपने आप में ये नारे एक्चुअली होता क्या है कि एक लाइन में, दो लाइन में आप अपनी पूरी बात कह ले जाते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि काम बोलता है। जब जब चुनाव होते रहे हैं, इंदिरा जी के समय में हो, सोनिया जी के समय में हो, तो कोई ना कोई नारे बनते रहे हैं। इस बार ही हमने 27 साल यूपी बिहार, इस नारे के तहत लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारी दो लीडरशिप के तहत पूरी टीम ने पूरा भ्रमण किया है। एक बार फिर लखनऊ की लड़ाई में नारे ही सियासी संग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं और नेताजी भी इस भरोसे के साथ है, नारों के साथ निकलेगी वोटों की बारात। चुनाव में सपा का नारा है कहो दिल से अखिलेश फिर से, बीजेपी का नारा है परिवर्तन लाएंगे कमल खिलाएंगे। तो बीएसपी कह रही है नई रोशनी दिखाने को बहन जी को आने दो, यानी नारों के जरिए सियासी जंग जारी है। लेकिन यूपी के सिंहासन की सवारी कौन करेगा, ये तो वोटों की बारात के बाराती ही तय करेंगे। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। बाराती कभी नहीं बताते हैं कि उनका मुखिया कौन है। बहरहाल, सियासी नारों के बाद अब सियासी पतंग और मांझे की बात कर लें। ये ऐसी पतंग है जिस पर देश के सबसे बड़े नेता की तस्वीर लगी है और पतंग बेचने वाले का दावा है कि जैसे ये नेता बेहद ताकतवर है, वैसे ही पतंग भी बेहद ताकतवर है। इसलिए गारंटी है साहब कि ये पतंग अपने मांझे से 10 पतंगों को जरूर काटेगी, नहीं काट पाई तो पैसा वापस। आखिर कौन है वो नेता जिसकी तस्वीर ही इतनी ताकतवर है? उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले सियासी पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है। चुनाव के बाद किसकी सियासी पतंग कटेगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इस चुनावी बाजार में इस वक्त एक ऐसे नेता की पतंग मौजूद है जिसकी गारंटी है कि वो 10 पतंग तो काटेगी ही। और 10 पतंग काटने की गारंटी देने वाली ये पतंग है पीएम मोदी की फोटो वाली। उत्तर प्रदेश के भदोही में बिक रही इस पतंग पर पीएम मोदी की फोटो के साथ लिखा है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी जैसे ताकतवर सर्जिकल स्ट्राइक थी वैसी ही ये पतंग है। हमें यहाँ पे सबसे अच्छा पतंग लग रहा है जो कि ये मोदी जी का है। इस पे लिखा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी का पतंग बना और हम लोगों उसे उड़ाने में भी बहुत प्रसन्नता हो रही। पीएम मोदी के नाम पर पतंग ही नहीं, मांझा भी बेचा जा रहा है। इसकी भी गारंटी बिल्कुल वही, पतंग तो काटेगा ही, यानी इस मांझे से भी 10 पतंग पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। दुकानदार का दावा तो यही कहता है कि 10 पतंग निश्चित काटना है इसको। हाँ, 10 पतंग काटने वाला है मोदी जी का पतंग। 10 पतंग जो है काटना है मंझा, उसकी गारंटी है पूरी। हाँ, न काटने पर मंझा वापस, पैसा वापस। अगर 10 पतंग नहीं काटी तो पैसा वापस। लेकिन चुनाव में किसकी पतंग कटेगी और किसकी बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये है वोटों की बारात, जिसके बाराती ये कभी नहीं बताते कि उनकी बारात का मुखिया कौन।
दिनेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भदोई। उत्तर प्रदेश की बात हो गई, अब जरा बात उत्तराखंड की कर ले। वहां भी तो चुनाव है। एक बार फिर बीजेपी अपने उसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है कि चुनाव में पार्टी का चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। सोर्सेस की माने तो उत्तराखंड का पूरा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के भरोसे लड़ने वाली है। आने वाली 15 जनवरी को राज्य में बीजेपी के कैंडिडेट्स का ऐलान भी हो सकता है। तो क्या उत्तराखंड में बीजेपी का पीएम ही सीएम फॉर्मूला काम करेगा? प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 4 बड़ी रैली करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी उत्तराखंड की हर लोकसभा में रैली करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में एक बड़ी परिवर्तन रैली हुई थी। इस रैली में लोगों के उत्साह को देखते हुए स्थानीय बीजेपी नेता प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पार्टी के लिए फायदे के तौर पर देख रहे हैं। उत्तराखंड में पीएम की रैलियों में न सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार होगा, बल्कि एलओसी पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक को भी बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तराखंड में नोटबंदी के मुद्दे को भी पूरे दमखम के साथ रखेगी। यूपी की तरह उत्तराखंड में ही बीजेपी ने नए नए नारों की शुरुआत की है। उत्तराखंड में बीजेपी का नारा है, अटल ने बनाया मोदी सवारेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी का एक और नारा है, विकास का डबल इंजन। यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार है और अगर उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार होगी तो होगा राज्य का विकास। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में पार्टी का ना तो कोई चेहरा होगा और ना ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। यानी बीजेपी अपने पुराने फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी, मतलब चेहरा सिर्फ पीएम मोदी। सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से आए सभी 10 बागी विधायकों को पार्टी टिकट दिए जाने की संभावना है। पार्टी के आला नेताओं का मानना है कि ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी की कमजोर स्थिति रही है। ऐसे में ये बागी पार्टी के लिए बोनस होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ हर हाल में जीतने की स्थिति में है। पार्टी ने लोकसभा सदस्यों को भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी के चुनाव लड़ने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। उत्तराखंड में बीजेपी ने यह भी रणनीति बनाई है कि राज्य के दूसरी पीढ़ी के नेताओं को चुनाव प्रचार में तरजीह दी जाए। साथ ही कुछ नए चेहरों को इस बार विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाएगी। 15 जनवरी को पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें पीएम मोदी भी रहेंगे। माना यह जा रहा है कि 15 जनवरी को उत्तराखंड की 70 में से लगभग 50 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। यानी चुनावी जंग की तैयारी पूरी है, इंतजार है मैदान में उतरने का। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। दिया, 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 दिया।